आपसे बस एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगले 1.5 मिनट इस वीडियो को ध्यान से सुनना जो मैं बोलने जा रहा हूं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक आम इंसान जब अपना गांव छोड़कर शहर की तरफ जाता है, उसका मकसद होता है कुछ पैसे कमाऊं, अपने परिवार का, अपने बच्चों का पढ़ाई अच्छे से करवाऊं। और जब वो शहर आता है तो पता चलता है भैया मेरी आमदनी तो यहाँ पर 15,000 है, 10,000 है, जिसमें से 4 से 5 हज़ार में किराया देता हूँ, 2 से 3 हज़ार में किसी तरीके से घर चलाता हूँ और मुश्किल से 1,000 रुपये में बचाता हूँ। साल के वो 1,20,000 रुपये कमाता है, लास्ट में उसके जेब में कितना बचता है? 8,000 या फिर 10,000। कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा उसका किराए में चला जाता है। और वो मकान मालिक, जिन लोगों ने शहर में या फिर ऐसी जगहों पर घर बना रखा है, आज अगर वो कुछ नहीं भी करे तो अगले 50 साल उनको कमाई के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। रीज़न क्या है? उन्होंने एक बार मकान बनाया और उस मकान में इतने कमरे बना दिए, इतनी जगह बना दी, दुकानें बना दी कि ना तो उसका खुद का किराया लगता है और ना ही उसको काम करने की ज़रूरत है। और ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है उन लोगों की जो लोग गाँव छोड़कर शहर आते हैं और यहाँ पर बहुत मुश्किल से, बहुत मेहनत से कुछ पैसे कमाते हैं। आज मैं आपको, आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आखिर मैं आपको क्यों लेकर आया हूँ, क्या खास होने वाला है इस वीडियो में। तो गाइस, मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि मकान और अपना घर एक वो चीज़ है जिसके लिए हर इंसान कोशिश करता है, हर कोई चाहता है, लेकिन हर किसी की कोशिशें पूरी नहीं हो पाती है। रीज़न क्या है? महंगाई। लेकिन आज इस वीडियो में आप जानने वाले हो किस तरीके से, यकीन मानो गाइस, एक बाइक जो आज हम सभी इस्तेमाल करते हैं, एक बाइक की जितनी कीमत होती है और साथ में उस बाइक में अगले 6 महीने में जितना तेल डालोगे, मात्र उतने में आप यहाँ पर जमीन खरीद सकते हो और उसके बाद मकान बना सकते हो। ये जगह जहाँ पर आप देख रहे हो, आखिर क्या वजह थी कि यहां पर अमेरिका से लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, जो यहां नहीं है उन लोगों ने भी यहां पर जमीनें खरीदी और साथ में यहां पर उनका फार्म हाउस बन रहा है। और आखिर क्या वजह है? श्री कालका मां रियल एस्टेट के इस काम के, इस योगदान के कारण इतने कम समय में यहां पर देख सकते हो 24 आवर्स पानी अवेलेबल है, मार्केट अवेलेबल है, रेलवे स्टेशन अवेलेबल है, बस स्टैंड अवेलेबल है और साथ में यहाँ पर बिजली के खंभे आपको दिख रहे हैं, जहाँ पर पहले थोड़ा कम बिजली था लेकिन अभी पूरा बिजली रहता है। और आखिर क्या वजह है कि आज के दिन इस धूप में जहाँ पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे सामने दिल्ली से कुछ लोग अपने बेटे के साथ आकर दिन रात रहकर अपना मकान बनवा रहे हैं। इस वीडियो में आप जानने वाले हो कंप्लीट डिटेल में। अगर आप भी चाहते हो दिल्ली NCR में आपका खुद का घर हो और साथ में आपका खुद का दुकान हो, तो किस तरीके से यहाँ पर दुकान के लिए आप ज़मीन खरीद सकते हो, किस तरीके से अपने रहने के लिए ज़मीन खरीद सकते हो और क्या चीज़ें स्पेशल, इस वीडियो में सब कुछ आपको जानने को मिलेगा। यहाँ पर मेरे साथ में सर हैं जो आपको बताएंगे आज कंप्लीट डिटेल में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, अपना गुड नेम बताएं और थोड़ा सा इस प्रॉपर्टी के बारे में बताएं। पहले तो सर अपना नाम बता दूं, कृष्ण शर्मा, और हमारी फर्म का नाम आपने सभी ने सुना है, श्री कालका मां रियल एस्टेट। जैसा कि हम बहुत अच्छी प्रॉपर्टी आपको बताई थी, हमने पलवल लोकेशन पे है और पहले सस्ते दामों पे भी दी थी, आज रेट भी इसके काफ़ी बढ़ चुके हैं। फिर भी अब त्यौहार आए हुए हैं, जैसे कि आपकी दिवाली आ रही है, नवरात्रे रहे हैं अभी, तो लोगों के लिए फिर भी सोच रहे हैं अब कमर्शियल प्लॉट्स लेके आए हम। कमर्शियल प्लॉट्स में मेन रोड पर मार्केट बनाने वाले हैं, जिन लोगों को अपना व्यापार भी करना है कॉलोनी में, उनके लिए बहुत अच्छी सुविधा लेकर आए हैं। और कालका मां रियल एस्टेट ने पहले भी अपने वादे किए थे कि आपको वाटर सप्लाई का पानी मिलेगा, वाटर सप्लाई का पानी आ चुका है, 24 घंटे की लाइट करा दी गई है, रोड का काम थोड़ा बाकी रह गया है, ये भी 1-2 महीने में आपको कंप्लीट करा के देंगे बिल्कुल। सर, मुझे आप ये बताएं कि जो ये अपना पूरा लोकेशन है, जैसे कि देख सकते हैं हर चारों साइड से आप, हाँ जी, इसमें ऑलमोस्ट कितना एरिया अभी अवेलेबल है अगर कोई लेना चाहता है तो? सर, मोस्टली लगभग 80% खत्म हो चुका है, 20% बचा है। मतलब लोगों का इतना ट्रस्ट रहा है हम पे, बहुत अच्छे अच्छे इंडिया की छोड़ो, इंडिया के बाहर से भी लोगों ने हमसे प्लॉट लिए हुए हैं, अमेरिका से हैं, जैसे आप सामने देख रहे हो 400 गज में है, फार्म हाउस बन रहा है, रेडी हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा लोगों का प्यार मिल रहा है। हम उनके विश्वास पे आगे भी खड़े रहेंगे और उनके लिए जितना अच्छा कर सकते हैं उतना अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पर बाउंड्री वगैरह का और कुछ कुछ काम चल रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी टाइम हो रहा है 2:50 और इस टाइम भी यहाँ पर चीज़ें वर्किंग में हैं। तो सर, ये आपका प्रॉपर एरिया है क्या? हाँ, आपका गुड नेम क्या है? हिमांशु शर्मा। कहाँ से आए सर आप? सर, मैं गुड़गांव से हूँ। गुड़गांव से, तो ये क्या, कितना एरिया आपका है?
50 गज के करीब है। 50 गज का, तो इसमें क्या आपने रहना है या फिर कोई बिजनेस पर्पस से, आपने इन्वेस्टमेंट पर्पस से लिया आपने? नहीं सर, अभी बनाएंगे। अच्छा, थोड़ा रुक रुक के शर्मा जी पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इस चीज में। आपने कब लिया था ये जगह? ये तकरीबन 1 महीने पहले ली थी। तो आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया? बिल्कुल, सब कुछ हो गया। हाँ जी सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर जो आप काम करवा रहे हो तो मतलब क्या किसी तरह की प्रॉब्लम आपको दिखी है कि नहीं सर, कुछ नहीं, माल लाने में कुछ अवेलेबल ना हो? नहीं सर, सारा कुछ शर्मा जी करवा देते हैं हमारा। अच्छा, मतलब आपको यहाँ पर बाउंड्री वगैरह करवाने में जिससे की भी जरूरत है सब कुछ यहाँ पर आपको अवेलेबल हो गया। गाइस, आप जहाँ घर बनाते हो, जहाँ रहते हो, केवल वहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि बिजली और पानी है, मतलब सब कुछ है। इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वहाँ से कनेक्टिविटी, मतलब स्कूल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, और आज के समय में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट कितना दूर है, और साथ में आपको अगर किसी की ज़रूरत पड़ जाए तो वो कितना दूर है, आपके बच्चों के पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है, और खुदा ना खास्ता रात को कोई परेशानी हो जाए तो क्या कुछ यहाँ पर बेनिफिट आपको मिलेगा। इसके लिए मैं सर से कुछ बात करना चाहूँगा। सर बताएं यहाँ पर आसपास में क्या क्या अवेलेबल हो जाएगी? सर आसपास में जैसे कि आप देख रहे हो कुछ क्लाइंटों ने मकान ही बनाया हुआ है। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जो हमने बताया था एग्जैक्ट 2-3 किलोमीटर के दायरे में आपको स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, कॉलेजेस सारे अवेलेबल हैं। बिल्कुल आप क्लाइंटों से भी पूछ सकते हो, यहाँ के बिल्कुल अवेलेबल हैं, सारी चीज़ हैं, 24 घंटे की लाइट दी हुई है। सबसे अच्छी बात, हम लोगों को सपोर्ट करते हैं बसाने में। सर मुझे आप ये बताओ कि आसपास में चीज़ें कितने डिस्टेंस पे? अब डिस्टेंस की बता दूं सर, ट्रैवलिंग की, सबसे पहले 2 रेलवे स्टेशन पड़ते हैं सर। साइड से आपको 1 किलोमीटर दूरी पे सोलाखा रेलवे स्टेशन पड़ता है, दूसरा रेलवे स्टेशन पड़ता है यहाँ पे बंचारी, वो भी साइड से सर मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे है। अब मैं बस स्टैंड की बात करता हूँ, तो बस स्टैंड भी यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर रह जाता है। और आपने जेवर एयरपोर्ट का नाम सुना होगा, बहुत ही एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, और वर्ल्ड के 4th नंबर का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, वो भी यहाँ से सिर्फ 14 किलोमीटर दूरी पर पड़ जाता है आपका। आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट ने, हमारी हरियाणा सरकार ने मेट्रो पास की है, 2027 में यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी पर आपका मेट्रो स्टेशन बनने वाला है बंचारी में। आपके सिर्फ 2 किलोमीटर दूरी पर मेट्रो की सुविधा भी हो जाएगी सर यहाँ पे। तो लोकेशन ऑल ओवरऑल सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, लोग रह सकते हैं, पानी बिजली सारी सुविधाएं हैं, मतलब हर चीज़ में। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर कोई आज यहाँ पर ज़मीन लेकर अपना घर बनाने की सोचेगा तो कम से कम कितना ज़मीन उनको लेना पड़ेगा या कितना इन्वेस्टमेंट होगा? सर वैसे तो हमारे पास छोटे से छोटा प्लॉट 50 गज का होता है, पर फिर भी किसी के पास पैसों के कम बजट होता है तो उसके लिए हम 30 गज का प्लॉट भी अवेलेबल करा देते हैं, और बुकिंग अमाउंट पे ही हम कब्जा देते हैं। आप बुक कराओ और अपना मकान बनाना शुरू कर सकते हो। अच्छा, तो बुकिंग अमाउंट कितना रहता है सर? सिर्फ मात्र 11,000 का है सर। मात्र 11,000। सर मेरा सवाल आपसे एक और है कि जैसे आपने कहा कि आप 30 गज का भी अवेलेबल करवा देते हो, तो ऐसे में जो पेमेंट ऑप्शन है वो क्या रहता है अपने पास? पेमेंट ऑप्शन में हमारे पास सर एक तो बहुत अच्छा है ऑप्शन कि आप अगर कैश लेना चाहते हो तो डिस्काउंट मिल जाता है आपको, डिस्काउंट मिल जाता है। फिर अभी ऑफर निकाल रखा है हमने, रजिस्ट्री फ्री देते हैं अपनी तरफ से। आप सिर्फ बुकिंग अमाउंट दो हमें, मकान बनाओ या बाउंड्री कराओ, अपनी रजिस्ट्री कराओ, बाकी 3 महीने का टाइम आपको मिला है, 3 महीने के अंदर आप अपनी पेमेंट कर सकते हो। ये तो रही कैश की बात, अगर आप इंस्टॉलमेंट पे लेते हो तो 50% अमाउंट आप दो हमें, पक्की रजिस्ट्री हाथों हाथ लो, बाकी 50% के लिए आपको 2 साल का टाइम मिल जाता है। 2 साल का टाइम? 2 साल का सर, 24 महीने का। और इसमें भी हम लोगों पर प्रेशर नहीं रखते कि आपके 8,000 रुपये महीने या 5,000 रुपये किस्त बनी है, आपका 2 साल का टाइम है, जैसे जैसे आप पे पेमेंट हो जाए आप करते रहिए। ये और बताना चाहूँगा, लोग सोचते हैं जैसे हमने प्लॉट बुक कर लिया, आगे प्लॉट हमें लेना नहीं है, प्लान बदल जाता है सर, मजबूरी आ जाती है। जैसे मैं आज प्लॉट बुक करके आया हूँ, अब मैं लेना चाह रहा हूँ, फैमिली मेंबर्स में मैंने सलाह ली, उन्होंने मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए, तो उस कंडीशन के लिए भी हम 1 महीने का टाइम लोगों को सोचने का देते हैं। जो आप 1 महीने के अंदर जो भी हमें बयान दे के गए जा रहे हो, वो कोई नहीं मरेगा, आपका एज इट इज़ वापस हो जाएगा, 1 महीने के अंदर आप अपना बयान वापस ले जा सकते हो। अच्छा, हाँ जी, तो फैसिलिटीज आपको बहुत सारी मिल रही है सर। बुरा ना माने, मैं आपसे एक सवाल करूंगा, वो ये कि बहुत सारे वीडियोज मैंने देखे हैं, और प्रॉपर्टी ऐसा चीज है कि कई बार लोगों को दिया जाता है कहीं और रजिस्ट्री कुछ और मिलता है, फ्रॉड हो जाता है बहुत ज़्यादा, और खास करके दिल्ली जैसे जगहों में या फिर जहाँ पर चीज़ें महंगी है सस्ता दिखाकर बहुत कुछ होता है। बिल्कुल सर। सर इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर प्रॉपर्टी बदनाम है, 90% लोग ऐसे हैं जो गलत कर रहे हैं, उनके बीच में 10% लोग भी पिसते हैं जो सही करने वाले हैं, उनको भी सर अपना
सब कुछ दिखाना पड़ता है, विश्वास कराना पड़ता है, फिर भी लोग नहीं मानते। इसीलिए मैं अपनी हर वीडियो में अपने डॉक्यूमेंट साथ लेके आता हूँ, जिन क्लाइंटों की रजिस्ट्रियाँ कराता हूँ वो रजिस्ट्रियों की कॉपियाँ साथ लेके आता हूँ मैं बिल्कुल। और कुछ क्लाइंटों के मैं अपने बिल्कुल दिखाता भी हूँ, क्लाइंट खड़े हैं इनके रजिस्ट्री इनके हाथों हाथ इनके सामने हैं, इनके हाथों में उनसे भी मिलवाता हूँ। तो जैसा कि मैं अभी दिखा देता हूँ लोगों की रजिस्ट्रियाँ कॉपियाँ ये रखी हैं मेरे पास, आप देख सकते हो। कैमरा थोड़ा अगर जूम करेंगे देख सकते हो, अशोक शर्मा जी मेरे बड़े भाई हैं, आपने वीडियो में भी कई बार मेरे साथ देखे होंगे, ये क्लाइंटों की कई रजिस्ट्रियाँ हैं आप देख सकते हो। मतलब आपको वीडियो में भी हम ही मिल रहे हैं, ज़मीन भी हम ही दे रहे हैं, पैसे भी आप हमें दे रहे हो, ऐसा मतलब तीसरा बंदा नहीं है जो आपको लगे कि मैंने पैसे किसी और को दिए हैं और मैं ज़मीन कोई और करा रहा है मुझे, वो चक्कर नहीं है सर। आप सामने बैठ के हमसे ही प्रॉपर्टी ले रहे हैं और हम ही आपसे पेमेंट ले रहे हैं, सारी चीज़ें हमारे सामने हो रही हैं। ये ऑनलाइन फ़ोटो खींचते हैं आप देख सकते हो सारी चीज़ें, मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट मिल रहे हैं। ये तो ही रजिस्ट्रियों की कॉपी अच्छा। जो मैंने अभी क्लाइंट्स के दिखाई हैं, अब मैं आपको इनकी मोटेशंस दिखाता हूँ। ये कहते हैं रजिस्ट्री का मोटेशन नहीं चढ़ती, हमारे यहाँ पे दाखिला खारिज चढ़ता है साथ के साथ, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये देख सकते हैं सर। मैंने जैसा कि हर वीडियो में दिखाया हुआ है, हमारे कैलाश देवी मम्मी का नाम है, उनके नाम से क्लाइंट के नाम जो रजिस्ट्रियाँ चढ़ी हुई हैं आप देख सकते हो, ये सबके मोटेशंस सर। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, झूठे वादे बिल्कुल नहीं करते हम। बिल्कुल गाइस आप देख सकते हो, और आप भी जब इन्वेस्टमेंट करें तो एक बार डॉक्यूमेंट को चेक करें, आप सेटिस्फाइड हो जाएं, फिर आप जो है इन्वेस्टमेंट करें। सर अगर हम कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा उसका आगे का फ्यूचर प्लान क्या है, कैसा रोड मैप है, कैसा मैप बनने वाला है, किस तरह की चीज़ें होंगी, मैप की वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्लीज़ वो दिखाएं। मैप सर हमने ब्लॉक वाइज बनाए हुए हैं ताकि हमें भी पता रहे, हम छोटे ब्लॉक बनाते हैं ताकि एक ब्लॉक में आपके लगभग 50 से 60 या 70 प्लॉट तक हों और आसानी से पहचाने जा सकें। तो जैसे हम ब्लॉक देखते देख सकते हो आप, ये हमारा डी ब्लॉक है अच्छा, इसमें हम बैठे, इसमें जिन पे भी जो भी प्लॉट बिके हुए हैं सब पे हमने नाम चढ़ा देते हैं। जब वो बुकिंग करता है सर उसका उसी टाइम नाम लिख दिया जाता है नक्शे पे और उसको फ़ोटो खिंचवा देते हैं नक्शों की। आप देख सकते हो लगभग सभी ज़्यादातर मोस्टली प्लॉट बिक चुके हैं, कुछ ही प्लॉट बचे हैं। और यही नहीं, आप हमारा डी देखो, ए ब्लॉक देख सकते हो आप, ये देख सकते हो ई ब्लॉक बुकिंग जिसमें चल रही है अभी, ये देखते हो सी ब्लॉक ख़त्म भी हो चुका है। मतलब हमारे मोस्टली बहुत ज़्यादा तेज़ी से प्लॉट बिकते हैं, लोगों का बहुत अच्छा भरोसा है, विश्वास है। और सबसे अच्छी बात सर पेमेंट हम पहले लेते ही नहीं है अच्छा, हम सिर्फ बुकिंग अमाउंट पहले लेते हैं, आप हाथों हाथ रजिस्ट्री कराओ तब हमें पेमेंट दो। सर अगर मैं बात करूँ अभी का जो करंट रेट है यहाँ का वो क्या है? सर जो करंट रेट है अभी का हमारा 4000 रुपये गज कैश का है, 4500 रुपये गज इंस्टॉलमेंट का है। थोड़ा सा रोड की साइड आते हो थोड़ा सा कॉस्टली हो जाता है, उसमें हमारा आपका 4500 रुपये कैश हो जाता है और आपका 5000 रुपये इंस्टॉलमेंट पे आता है। अब मैं बात करता हूँ कमर्शियल प्लॉट्स की, जो हमारे कमर्शियल प्लॉट्स हैं जिनमें पहले बड़े प्लॉट्स थे हमने कमर्शियल में रखे हुए थे 250 गज के, अब उनको भी हमने काफ़ी छोटा कर दिया है, 100-100 गज के प्लॉट कर दिए हैं। इसमें हम चाह रहे हैं लोगों को जल्दी से सुविधाएं मिले और यहाँ मार्केट बनाएं, आप लोगों को सभी को रोज़गार मिले, जितने हमारे इन्वेस्टर हैं वो ताकि यहाँ आराम से रह सकें, उनके लिए हमने 100-100 गज के प्लॉट कर दिए हैं और रेट भी कम कर दिया। आज हमारे कमर्शियल प्लॉट्स का रेट 5.5 और 6000 रुपये है सिर्फ, पहले अच्छा। ये रेट था हमारा 6.5 और 7000 रुपये गज, ये कुछ ही टाइम के लिए ऑफर है और प्लॉट भी छोटे हैं। जिनको कमर्शियल प्लॉट चाहिए और अपने दुकानें वकानें मार्केट बनानी है वो फटाफट हमसे कॉन्टेक्ट करें, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम विनय पंडित है। विनय पंडित आप क्या करते हैं यहाँ पर? मिस्त्री का काम करता हूँ। तो आपने भी जमीन ले रखा? हाँ अपना भी ले रखा हूँ। इससे बड़ा बिजनेस और क्या होगा सोच सकते हो, जो लोग जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते वो भाई साहब जमीन भी ले रखे हैं और साथ में आज जो भी लोग ले रहे हैं उनको उनका घर भी बनाकर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आपको सामान वगैरह लाने में कोई सामान में कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ भी सामने गाँव में यहाँ से सामान मिल जाता है। तो आपका घर यहाँ बन चुका है? घर मेरा अभी बना रहा, अभी बनाया नहीं, बनाऊंगा। वो सामने बाउंड्री चले उसके बाजू में। अच्छा बाउंड्री जिधर चल रही है उधर 100 गज आपने ले रखा? 100 गज। तो मतलब कैसा लगा आपको यहाँ पर बाकी लोग जो ले रहे हैं आपका, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? यहाँ तो बहुत अच्छा जगह है, आने जाने की व्यवस्था, चाहे कोई गांव का व्यवहार बहुत बढ़िया, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है ऐसा कोई चीज़।